ऐसे एंट्री लेने का कारण तो आप लोग समझ ही गए होंगे, और कुछ नहीं, सिर्फ शो ऑफ है, यही मुझे दिखाना था ऐसे एंट्री लिया। ये और कुछ नहीं, एक बढ़िया सा फोल्डेबल कीबोर्ड है। इंटो से आप लोग देख ही चुके हैं, पता चल भी गया होगा, लेकिन ये कैसा है, अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है या नहीं, वो सारे के सारे आपको पूरा वीडियो में पता चल जाएगा। अगर आप एक फोल्डेबल कीबोर्ड ढूंढ रहे हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना, क्योंकि मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पोट्रॉनिक्स का चिकलेट फोल्डेबल कीबोर्ड। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राजीव, स्वागत है आप सबको मिक्सटेक राज चैनल के और एक नए वीडियो में। आज का वीडियो जो है ना वो काफी मस्त होने वाला है, क्योंकि मेरे लिए ये काफी मस्त प्रोडक्ट है। अब दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा कि टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ गया है, अभी इस बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के बीच अगर हम लोग एक बड़ा सा कीबोर्ड लेके घूमेंगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए आज आपके पास लेके आया हूँ इस तरह का कीबोर्ड जो एक कॉम्पैक्ट साइज में है और कॉम्पैक्ट वेट भी इसका है। आप इसको कहीं पे भी कैरी करके लेके जा सकते हो, और ये आसानी से जब आपके शर्ट के पॉकेट में फिट होता है तो आपको तो पता ही चल गया होगा कि ये आपके पैंट के पॉकेट में भी कितने आराम से फिट हो जाएगा। विद फोल्ड इसका जो साइज है वो आपका एक मोबाइल से भी छोटा है, और वजन भी 175 ग्राम का है। इस वेट में तो आजकल एक मोबाइल भी नहीं मिलता है, लेकिन उससे भी लाइट वेट में ये आपका एक कीबोर्ड मिल जाता है। अब इस कीबोर्ड के बारे में बताने से पहले इसका जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है उससे भी मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, तो चलो एक बार अनबॉक्सिंग को भी देख लो कि इसके साथ हम लोगों को क्या क्या चीज मिलता है। दोस्तों बॉक्स के अंदर हम लोग एक यूजर मैनुअल मिल जाता है जो बेसिक सा है, और साथ में मिल जाता है इस तरह का एक वारंटी कार्ड जिसको स्कैन करके आप इसका जो वारंटी है उसको रजिस्टर कर सकते हैं। अब पोट्रॉनिक्स का होने के कारण आपको इसके साथ 1 ईयर का वारंटी भी मिल जाता है, और उसके साथ हम लोगों को मिल जाता है इस तरह का एक USB 2 micro USB डेटा केबल जो इस पूरे प्रोडक्ट के अंदर मुझे सबसे खराब चीज लगा। और मैं भी हैरान हूँ कि आज के दिन भी पोट्रॉनिक्स जैसे कंपनी टाइप सी के बजाय कि माइक्रो यूएसबी क्यों दे रहा है। खैर इसको भी हम लोग कितना ही यूज करने वाले हैं, अब टाइप सी हो या माइक्रो यूएसबी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपका 180mAh बैटरी के साथ आता है, और एक बार चार्ज करने पर आप इसको 140 आवर्स तक कंप्लीट यूज कर सकते हो। ये आपका 8 to 10 meters तक डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन ब्लूटूथ का वर्जन भी इसमें थोड़ा सा कमी लगा। इसमें आपका ब्लूटूथ वर्जन 3 है, अगर ये 5 होता तो और बढ़िया होता। तो इसे काफी लाइट वेट और कॉम्पैक्ट होने के कारण आप इसको कहीं भी कैसे भी कैरी करके लेके जा सकते हैं। तो आगे इस कीबोर्ड के बारे में देखते हैं, इसको हम लोग जैसे ही ओपन करते हैं तो ये आपका कुछ इस तरीके का लुक में आ जाता है। यहाँ पर आपका एक ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है जिससे आप इसको फिजिकली ऑन या ऑफ कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप अगर 10 मिनट्स तक यूज नहीं करते हैं तो ये स्टैंड बाई मोड पे चला जाता है। उसके बाद जैसे ही आप कोई भी की को प्रेस करते हैं तो ये फिर से आपके कनेक्टेड डिवाइस के साथ एक्टिविटी में आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे दोनों साइड में इस यहाँ पे थोड़ा हाइट क्रिएट किया गया है, इसके कारण आप इसको अगर पॉकेट में लेके घूमते हैं तो अननेसेसरी कोई भी टच नहीं होता है। इस कीबोर्ड में आपको पूरा का पूरा जो कीज होते हैं वो दिया है, सिर्फ न्यूमेरिक कीज को छोड़ के, अदरवाइज इसमें आपको कोई भी कीज कमी नहीं लगेगा। की के बीच में जो गैप है वो भी काफी अच्छा है, इसलिए आप इसको प्रेस करने पर कोई भी एक्सीडेंटल टच इसमें नहीं होगा। पीछे की तरफ यहाँ पे और एक स्विच है जिसको प्रेस करने पर आप कोई भी नए डिवाइस के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके नीचे है पोट्रॉनिक्स का ब्रांड। यहाँ पर 2 इंडिकेटर है, एक आपका स्टेटस को शो करता है, दूसरा बैटरी इंडिकेटर है। जब बैटरी आपका लो हो जाता है तो यहाँ पे एक रेड लाइट ब्लिंक करता है, चार्ज होने के टाइम भी यहाँ पे रेड लाइट ब्लिंक करता है, फुल चार्ज हो जाने के बाद ये जो लाइट है ये बंद हो जाता है। इस कीबोर्ड के साथ आपको सारे के सारे शॉर्टकट्स भी मिल जाते हैं एज इट इज, जो फीचर्स आपको अदर कीबोर्ड में मिल जाता है वही आपको एक कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल कीबोर्ड में मिल जाता है। इसमें आपको 1 key search साथ में मल्टीमीडिया के लिए आपका प्ले पॉज नेक्स्ट वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए भी शॉर्टकट स्विच दिया हुआ है। साथ में ये जो एरो स्विच है वो आपके प्रोडक्टिविटी को और भी स्मूथ कर देता है। बिल्ड क्वालिटी इसका काफ़ी अच्छा है तो प्लास्टिक का, लेकिन कोई चीप क्वालिटी का प्लास्टिक नहीं है, हाथ में भी अच्छा लगता है। यहाँ पर आप एंड्रॉयड विंडोज और iOS के लिए स्विच दिया हुआ है। ये बीच में जो मटेरियल है वो भी काफ़ी अच्छा है, इसके लिए आप कोई भी डायरेक्शन में इसको मोड़ सकते हो। और दोस्तों ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं अपने पैसे से परचेस करके ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसी बात पे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप लोगों में से कोई भी चैनल पे नए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। जो लोग ऑन द गो मोबाइल या टैब पे टाइप करना चाहते हैं ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है लाइक मी। और पोट्रॉनिक्स वालों ने सारे की के साथ 2 फंक्शन स्विच डाल के स्पेस को काट के इसको सही तरीके से मैनेज जरूर कर लिया है, और क्लोज करने पर ये आपका मैग्नेटिकली कुछ इस तरीके से क्लोज हो जाता है जिसके कारण ये आराम से लॉक भी रहता है। इसको मैं अपने MI टैब के साथ यूज़ करने वाला हूँ, ऑब्वियसली जो एंड्रॉयड है आप अगर चाहो iOS एंड्रॉयड टैबलेट या फिर आप विंडोज़ के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हो। ये है तो एक छोटा सा लेकिन काफ़ी इम्प्रेसिव है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप कोई भी टैब यूज़ करते हो अगर उसका ऑन स्क्रीन जो कीबोर्ड है उसको यूज़ करने में आपको तकलीफ नहीं होता होगा तो आप ज़रूर से इस कीबोर्ड को देख सकते हैं। इस कीबोर्ड का जो बाई लिंक है बेस्ट बाई लिंक है
वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो वहां से परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों यही था अपना पोट्रॉनिक्स चिकलेट फोल्डेबल कीबोर्ड के बारे में, जो मुझे काफी इंप्रेसिव लगा। लाइट वेट है, आप कैसे भी करके इसको यूज कर सकते हो, कहीं पे भी कैरी करके लेके जा सकते हो। सबसे खास बात, इसको आप अपने बैग के सबसे छोटे पॉकेट में भी कुछ आराम से डाल के रख सकते हो। दोस्तों ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, या आप इसको लेना चाहोगे या नहीं, या फिर इसमें आपको क्या कमी लगा, वो नीचे ज़रूर कमेंट्स में बताना। वीडियो या प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करके जाना। यहाँ पर आप देख पाएंगे जैसे मैं कोई भी की को दबा रहा हूँ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। वैसे ही आप अगर नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको भी दबा के बेल आइकन को ऑल कर देंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फायदा ये होगा, जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कुछ भी राय देना हो तो नीचे कमेंट्स करना ना भूलिएगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, खुश रहो, स्वस्थ रहो, जय हिंद।